हेलो स्टूडेंट्स, अब मैं बेसिक कॉन्सेप्ट का पार्ट नंबर 2 रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ। हमने लास्ट लेक्चर में रिकॉर्ड कॉन्सेप्ट समझा था रेवेन्यू रिसर्व वर्सेस कैपिटल रिसर्व। अब हम उसके स्टार्ट उसके आगे बढ़ते हैं। उसके आगे वाला जो टॉपिक है वो हमारा ये है असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर। है ना, असेसमेंट ईयर क्या होता है? असेसमेंट ईयर मीन्स अ पीरियड ऑफ 12 मंथ। है ना, इट मीन्स अ पीरियड ऑफ 12 मंथ कमेंसिंग ऑन 1st अप्रैल एवरी ईयर। अब मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। लेट सपोज जो हमारा जो पेपर है वो कब है, वो अब हमारा पेपर होगा 2020 में, ठीक है, जनवरी 2021 में, ठीक है। तो जो हमारा साल चल रहा है वो कौन सा चल रहा है, 2020-21, ठीक है, 2020 और 21। तो आप ये समझो कि 2020-21 असेसमेंट ईयर है किस प्रीवियस ईयर के लिए, उसका जो पिछला प्रीवियस ईयर है। मतलब देखो क्या हुआ, अभी हम पेपर इसमें देंगे जैन 21 में पेपर देंगे, ठीक है। तो अभी कौन सा साल चल रहा है, 2021 से पिछला साल कौन सा है, 19-20, ठीक है, 19-20 साल है। तो वो हमारा बनता है प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर कौन सा साल होता है, ईयर प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर। मतलब जो असेसमेंट ईयर के पहले वाला ईयर होता है उसे हम क्या बोलते हैं, प्रीवियस ईयर। तो एक साल अपने आप में असेसमेंट ईयर भी होता है और वही साल वो प्रीवियस ईयर भी होता है। अब आपको मैं समझाता हूँ कैसे। अब हम जैन 21 में पेपर देंगे तो जो वो साल है वो असेसमेंट ईयर है कौन से साल के लिए, जो कि पीवाई 19-20 है, और जो उस साल का प्रीवियस ईयर है उसके लिए असेसमेंट ईयर कौन सा होगा, 21-22। मतलब एक साल के बाद वाला जो टाइम पीरियड होता है, मतलब प्रीवियस ईयर के अगले वाला साल क्या होता है, ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम द डेट वेयर द प्रीवियस ईयर एंड्स, जहां पे प्रीवियस ईयर खत्म होता है उसके 8 साल तक का जो साल होता है उसे हम असेसमेंट ईयर बोलते हैं। तो अगर मान लो हमारे जैन 21 में पेपर है तो 2021 ईयर हुआ, तो हमारा जो प्रीवियस ईयर होगा वो कौन सा होगा, 19-20 वाला है प्रीवियस ईयर होगा। सिमिलरली मान लो अगर जैन 2021 प्रीवियस ईयर है तो असेसमेंट ईयर कौन सा होगा हमारा, 21-22। बस ये फंडा आपको, ठीक है, आपको इतना सा माइंड में रखना है। तो असेसमेंट ईयर मींस अ पीरियड ऑफ 12 मंथ कमेंसिंग ऑन 1st अप्रैल एवरी ईयर, है ना, बस ये आपको माइंड में रखना। और ये हमेशा क्या होता है, आफ्टर प्रीवियस ईयर होता है, ठीक है। अब प्रीवियस ईयर क्या होता है, सेक्शन 3 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट डिफाइंस प्रीवियस ईयर एज, है ना। अब देखो प्रीवियस ईयर क्या होता है, इट मींस द फाइनेंशियल ईयर असेसमेंट ईयर प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर। मतलब ऐसा साल जो असेसमेंट ईयर के पिछला साल है, मैंने ये बोला था आपको, प्रीवियस ईयर मींस द ईयर प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर, ठीक है। बस अब आपको इसमें फंडा क्या याद रखना है, फंडा ये याद रखना है कि अगर मान लो मैं इस साल में नया बिजनेस स्टार्ट करता हूं, ठीक है, तो होगा क्या कि वो जो प्रीवियस ईयर स्टार्ट होगा ना, वो जिस दिन मैंने बिजनेस स्टार्ट किया ना वहां से शुरू होगा, ना कि 1st अप्रैल से। अगर मैं मान लो पीवाई 19-20 में बिजनेस स्टार्ट करता हूं चार अप्रैल 2019 को, तो जो मेरा पीवाई स्टार्ट होगा ना वो 1 अप्रैल 2019 से स्टार्ट नहीं होगा, वो होगा 4 अप्रैल 2019 से। इसका मतलब क्या होता है, अगर मैं नया बिजनेस सेटअप करता हूं तो मेरा जो पीवाई स्टार्ट होता है फ्रॉम द डेट ऑफ सेटिंग अप ऑफ द बिजनेस टू द एंड ऑफ द ईयर। मतलब देखो अगर मैं नया बिजनेस सेटअप करता हूं ना, तो बिजनेस और प्रोफेशन न्यूली सेटअप, ठीक है, तो न्यूली सेटअप में क्या होता है, जिस दिन बिजनेस स्टार्ट हुआ ना वहां से पीवाई शुरू होगा, और जो ईयर एंड है, ईयर एंड मतलब जैसे 19-20 में अगर मैं मान लो 4 अप्रैल 2019 को बिजनेस स्टार्ट करता हूं, तो जो मेरा पीवाई जो एंड होगा वो होगा 31 मार्च 20। तो मेरा जो पीवाई बना वो बना 4 अप्रैल 2019 से लेके 31 मार्च 2020 तक। तो पीवाई मींस अ ईयर प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर, ठीक है, ये आपको माइंड में हुआ। और आपको ये समझना है कि अगर कोई भी नई बिजनेस आता है तो उसका पीवाई कब शुरू होगा, जब वो बिजनेस शुरू होता है, ठीक है। अब ऐसी फंडा है जैसे नया सोर्स आता है। अब देखो मैंने आपको बताया था कि 5 heads ऑफ इनकम है, तो अगर मान लो कोई नया सोर्स आता है, नया सोर्स ऑफ इनकम मतलब मेरे पास पहली बार HP आता है, मेरे पास पहली बार PGBP आता है, मेरे पास पहली बार कैपिटल गेन आता है, तो न्यू सोर्स ऑफ इनकम है ना अगर आता है तो उसका क्या से पीवाई स्टार्ट होगा, पीवाई स्टार्ट होगा जहां से वो सोर्स बना। द प्रीवियस ईयर विल कमेंस फ्रॉम द डेट ऑन विच द सोर्स ऑफ इनकम न्यूली कम्स इनटू एग्जिस्टेंस, ठीक है। मतलब जिस दिन वो सोर्स बना ना उस दिन से मेरा वो पीवाई चालू होगा। बस आपको इतना सा फंडा समझना है, ठीक है। अब अपन चलते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की ओर, ठीक है। ये पेपर में आपको पक्का एमसीक्यू रूप में मिलना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। ये क्या है, ये क्या है कि अनडिस्क्लोज सोर्सेज ऑफ इनकम। अब मान लो, अब मतलब ये क्या हुआ कि आपने अपनी ना इनकम छुपा के रखी है, मतलब अनडिस्क्लोज इनकम है। तो अब इसके ऊपर इनकम टैक्स में ना जो प्रोविजन है वो 68-69D तक है ना, 68-69D तक हमारे प्रोविजन है जो ये वाले अनएक्सप्लेन इनकम को ना वो डील करते हैं। अब आप समझो, अब मैं एक ही सेक्शन की ओर चलता हूं, ठीक है। अनएक्सप्लेन कैश क्रेडिट, इसका मतलब क्या होता है, हम मान लो कि अगर आपको मैंने पैसा दिया, ठीक है, नमन ने आपको पैसा दिया, अब आप क्या एंट्री डाल सकते हो इसकी, आप यह एंट्री डाल सकते हो बैंक अकाउंट डेबिट टू नमन, ठीक है, आप यह एंट्री डाल सकते हो, क्या एंट्री डाल सकते हो, बैंक अकाउंट डेबिट टू नमन, या फिर मान लो
अब आपने मुझे क्या किया था, सेल किया था, तो एंट्री क्या होनी चाहिए थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल, ठीक है। लेकिन अब आपने क्या किया, मेरे नाम पे झूठा क्रेडिट खड़ा कर दिया, मतलब आपने क्या किया, लाइबिलिटी बुक कर दी इसकी, ठीक है। एक्चुअल में लाइबिलिटी नहीं है, एक्चुअल में तो ये आपकी इनकम है, तो इसे हम बोलते हैं अनएक्सप्लेन कैश क्रेडिट। मतलब आपने एंट्री करी बैंक अकाउंट डेबिट टू नमन, जबकि ठीक है आपकी सेल थी, तो आपकी एंट्री होनी चाहिए थी बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल, लेकिन आपने एंट्री करी बैंक अकाउंट डेबिट टू नमन, तो इसका मतलब आपने मेरे नाम पे झूठा क्रेडिट खड़ा किया है, मतलब यू हैव रॉन्गली क्रेडिटेड माई अकाउंट, तो इसका मतलब अनएक्सप्लेन कैश क्रेडिट है। मतलब आपको एक्चुअल में नमन को पैसा देना ही नहीं है, लेकिन तब भी आपने नमन के अकाउंट में क्या किया है, क्रेडिट खड़ा किया है, तो इसका मतलब क्या होता है, अनएक्सप्लेन कैश क्रेडिट। तो इसके लिए सेक्शन 115 बीबी ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट है। अगर आप ऐसी किताबों में कोई एंट्री मार देते हो जिसमें आपने क्रेडिट किसी बंदे के नाम पर खड़ा किया है और वो पैसा उसे एक्चुअल में देना ही नहीं है, जैसे यहां पर नमन को क्या किया था, हमने सेल किया था, तो हमने नमन को सेल किया था, एंट्री होनी थी बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल, लेकिन इन्होंने जानबूझकर झूठा क्रेडिट खड़ा कर दिया कि मतलब मान लो ये पैसा मुझे नमन को वापस देना है, ठीक है, तो एंट्री डाली मैंने बैंक अकाउंट डेबिट टू नमन, तो ये अनएक्सप्लेन कैश क्रेडिट है, मतलब ये झूठा क्रेडिट दिया है मैंने किसी बंदे को। तो अगर कभी भी बैलेंस शीट में ऐसी एंट्री मिलती है तो सेक्शन 115 बीबी ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट विल चार्ज एट द रेट ऑफ 60% नॉर्मल टैक्स प्लस 25% सरचार्ज इज ऑलवेज ऑन द टैक्स। तो 60% अगर मैं 25% करता हूं तो इट कम्स टू, अगर मैं 60% का 25% करता हूं तो इट कम्स टू 15%। तो 60% प्लस 15% इज इक्वल टू 75%। 75% को पर अगर मैं 4% सेस जोड़ता हूं तो बनता है 3%। तो इट इफेक्टिव टैक्स रेट विल बी 78%। मतलब अगर आपकी किताबों में झूठा क्रेडिट मिला तो आपको 78% उस अमाउंट का एज अ टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। कितने परसेंटेज, 78%, 78% विल बी द इफेक्टिव टैक्स रेट। 60% टैक्स रेट, 25% सरचार्ज ऑलवेज इररिस्पेक्टिव ऑफ द इनकम, ठीक है, 25% ऑलवेज एंड 4% सेस, है ना। बस आपको ये माइंड में रखना है। ऐसी अनएक्सप्लेन इन्वेस्टमेंट, अनएक्सप्लेन इन्वेस्टमेंट मतलब क्या हुआ, मेरे पास मैंने किसी कैश में इन्वेस्टमेंट खरीदी और मेरे को बुक्स ऑफ अकाउंट में वो रिकॉर्ड ही नहीं है, मतलब मैंने उस इन्वेस्टमेंट को खरीदा, ठीक है, मान लो मेरे पास कैश में पैसा आया, ठीक है, मैंने एंट्री डाली नहीं किताब में और मैंने उससे क्या परचेज कर लिया, गोल्ड परचेज कर लिया। अब डिपार्टमेंट वाले आते हैं और मेरा वो गोल्ड पकड़ लेते हैं, ठीक है, तो अब मेरी वो किताबों में तो एंट्री है नहीं, तो इसका मतलब उसके ऊपर मैंने कभी टैक्स दिया ही नहीं है, जिससे वो मैंने गोल्ड परचेज किया है वो कभी मैंने उसके ऊपर टैक्स ही नहीं दिया, ठीक है, तो इसका मतलब वो क्या, अनएक्सप्लेन इन्वेस्टमेंट। Tax will be levied at the rate of 78% effective tax rate, ठीक है, 60, 25% surcharge plus 4% cess, बस आपको इतना mind में रखना है, ठीक है। फिर unexplained money, similarly अगर मान लो अब मैंने उस पैसे से gold नहीं purchase किया, मेरे पास वो cash रखा हुआ, मैंने cash ना कहीं पे छुपा के रख दिया, तो वो क्या है, unexplained money, तो उसके ऊपर भी 78%, ठीक है। अब investment not fully disclosed in books of account, मतलब मान लो इसका मतलब ये हुआ कि मैंने 50 रुपए तो books of account से देखा है purchase, मतलब मैंने मान लो 100 रुपए investment purchase करी, 50 रुपए तो मैंने एक्चुअल में अपने मतलब मैंने इन्वेस्टमेंट बुक्स में इतनी रिकॉर्ड करी 50 रुपए की, लेकिन जो मेरा टोटल आउटफ्लो हुआ था वो इतना हुआ था 100 रुपए, तो मतलब मेरी 50 रुपए तो मैंने बुक्स में दिखाया और 50 रुपए मैंने कैश में दिया, तो जो 50 रुपए कैश में दिया ना इसके ऊपर मेरा टैक्स लगेगा अंडर सेक्शन 115 बीबी, ठीक है। फिर अनएक्सप्लेन एक्सपेंडिचर, इसे बहुत ध्यान से समझना, ठीक है, इस फंडे को आप बहुत ध्यान से समझना। मान लो मैंने 100 रुपए कैश में लिए, ठीक है, अब मैंने इसे इनकम टैक्स में डिस्क्लोज नहीं किया, अब मान लो इस 100 रुपया मैंने खर्चा कर दिया, ठीक है, इस 100 रुपया मैंने खर्चा कर दिया आगे, तो अब क्या डिपार्टमेंट क्या बोलता है कि 100 रुपए तो पहली बात तो आपकी इनकम है, ठीक है, पहली चीज तो ये होगी कि वो 100 रुपए क्या है, आपकी इनकम है, तो अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर में क्या होगा, वो 100 रुपए इनकम होगी। लेकिन अब असेसी ये आर्ग्यू करने लगा कि मान लिया मैंने 100 रुपए मेरी इनकम है, लेकिन मेरा 100 रुपए खर्चा भी तो आप अलाउ करो, क्योंकि मैंने 100 रुपए खर्चा किया आगे, लेकिन डिपार्टमेंट ने फिर अमेंडमेंट करी सेक्शन के अंदर। अगर आपको याद हो इस सेक्शन के अंदर अमेंडमेंट क्या हुई कि इसमें क्या होगा, आपकी इनकम भी बनेगी और आपको खर्चा भी नहीं अलाउ होगा, मतलब क्या होगा, आपकी पीजीपीपी में देखो क्या बनेगा, आपकी 100 रुपए ऐड हुआ, 100 रुपए इनकम में ऐड हुआ, अब आप एसएससी के आरडू कर रहे हो, एसएससी बोल रहा है 100 रुपए डिडक्शन दो मुझे, अब डिपार्टमेंट बोल रहा है हम क्यों थे, किस बात की थी, आपने तो सामने आके थोड़ी ना डिस्क्लोज किया है 100 रुपए, ये तो हमने पता लगाया है। तो अब क्या हुआ, सेक्शन में अमेंडमेंट हुई और सेक्शन में अमेंडमेंट होकर यह बोला गया कि ये सिर्फ 100 रुपए जुड़ेंगे ही, इसके अगेंस्ट कोई भी डिडक्शन नहीं मिल सकती, मतलब अगर आपने भले ही 100 रुपए खर्चा किया हो तब भी इसके अगेंस्ट कोई डिडक्शन नहीं है, तो मतलब योर इनकम विल बी 100 रुपीज एंड टैक्स विल बी लेविड एट द रेट ऑफ 78%, है ना। तो ये आपका फंडा आता है।
है ना। अब अमाउंट बोरोड और रीपेड ऑन हुंडी, ठीक है। अब आप ये वाला कॉन्सेप्ट ना पुराना हो चुका है, बस आप इतना समझना कि अगर मैं हुंडी पे पैसा लेता हूं अदरवाइज देन बाय वे ऑफ अकाउंट पे ही चेक, है ना, अगर मैं बिना चेक के या फिर बिना कोई इलेक्ट्रॉनिक मोड के अगर मैं पैसा लेता हूं तो उसके ऊपर जो टैक्स लगेगा वो कितने परसेंट लगेगा, 78% से। और अगर मान लो एक बार आते ही टैक्स लग गया, मतलब जो पैसा लिया था तब टैक्स लग चुका है, ठीक है, तो जब मैं वापस रीपे करूंगा तो भले ही चाहे मैं कैश में रीपे करूं तब भी टैक्स नहीं लगेगा। मतलब क्या होगा, अगर एक बार आते हुए टैक्स लग चुका है आपके ऊपर इसके ऊपर, ठीक है, तो जब आप रिटर्न करोगे, इसमें तो क्या लिखा है, अमाउंट बोरोड और रीपेड, ठीक है, दोनों कंडीशन के ऊपर है। अगर मान लो बोरो करते वक्त ही आपके ऊपर 78% का चपत लग चुकी है तो आप जब वापस पैसा दोगे भले ही आप कैश में भी दे रहे हो तब भी ये चपत वापस नहीं लगेगी। इसका मतलब क्या है, 78% विल बी लेविड ओनली वंस, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ। तो इसका मतलब फंडा क्या, बस आपको सबसे इसमें इंपॉर्टेंट ये वाला है फंडा, कौन सा वाला, अनएक्सप्लेन एक्सपेंडिचर, ठीक है। अनएक्सप्लेन एक्सपेंडिचर में क्या होगा, आपको खर्चा नहीं अलाउ होगा और आपकी इनकम नहीं बन जाएगी, बस आपको ये माइंड में रखना है। और टैक्स विल बी लेविड एट द रेट ऑफ 78%, बस ये फंडा आपके माइंड में बैठ जाना चाहिए। अब अपन चलते हैं सर्टेन केसेस व्हेन इनकम ऑफ अ प्रीवियस ईयर विल बी असेस्ड इन द प्रीवियस ईयर इटसेल्फ। अब इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये हुआ कि मान लो मैंने इस साल इनकम कमाई, अब ये असेस कब होती है, अगले साल होती है जब मैं अपनी रिटर्न फाइल करता हूँ। रिटर्न फाइलिंग की डेट क्या होती है, असेसमेंट ईयर में होती है, ठीक है। मैंने आपको समझाया मैं कमाता इस साल में हूं और उसका जो टैक्स देता हूं वो अगले साल देता हूं। हालांकि एडवांस टैक्स का भी कॉन्सेप्ट होता है, वो अभी आप इग्नोर करो, ठीक है। बस आप ये समझो इनकम में इस साल कमाता हूं, अपनी आईटीआर में अगले साल भरता हूं, ठीक है, तो उसे हम असेसमेंट ईयर बोलते हैं जिसमें आईटीआर भरी, और प्रीवियस ईयर मींस द ईयर प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर, है ना, ये आपको पता है। अब आप समझो कि ऐसे कौन से सर्कमस्टांसेस है जिसमें प्रीवियस ईयर में कमाई हुई इनकम के ऊपर उसी साल में ही टैक्स लग जाता है, है ना। सर्टेन केसेस व्हेन इनकम ऑफ अ प्रीवियस ईयर विल बी असेस्ड इन द प्रीवियस ईयर इटसेल्फ। अब इसका मैंने आपके लिए ना शॉर्टकट बनाया है, क्या शॉर्टकट बनाया है, इसका मैंने शॉर्टकट बनाया है डिसकंटिन्यूड एंड लास्ट, ठीक है, दो चीजें। अब डिसकॉन्टिन्यूड से आपसे ये लर्न करना है, डिसकॉन्टिन्यूड मतलब आपने अपना बिजनेस डिसकॉन्टिन्यू कर दिया तो आपके ऊपर उसी साल में ही टैक्स लग जाएगा जिस साल में बिजनेस डिसकॉन्टिन्यू किया है, ठीक है। अब मैंने बोला डिसकॉन्टिन्यूड, ठीक है, डिसकॉन्टिन्यूड लास्ट, है ना, लास्ट। अब देखो यहां पे देखो इसमें क्या हुआ, डिसकॉन्टिन्यूड से हमने ये बना दिया डिसकॉन्टिन्यूड, ठीक है, डिसकॉन्टिन्यूड से कौन सा वाला पॉइंट, ये देखो डिसकॉन्टिन्यूड बिजनेस, ठीक है। अब एल से क्या होगा मेरे पास, है ना, एल से क्या होगा, पर्सन लिविंग इंडिया, यहाँ पे देखो ये एल से ये वाला पॉइंट बन गया पर्सन लिविंग इंडिया। ए से क्या पॉइंट होगा, एओपी ड्यूआई आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन फॉर्म फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस और इवेंट, और वो पर्टिकुलर पर्पस और इवेंट अब खत्म हो चुका है, ठीक है। तो मतलब डिसकॉन्टिन्यूड बिजनेस एल से लिविंग इंडिया, ए से एओपी ड्यूआई जो कि एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए फॉर्म हुए थे और वो पर्पस खत्म हो चुका है। एस से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एस से क्या होता है, शिपिंग बिजनेस। अब आपको पता होगा शिपिंग बिजनेस में क्या होता है, अगर मान लो आपने कोई शिप है, ठीक है, जब तक उस शिप का टैक्स नहीं पे जाता, उस शिप को जाने नहीं दिया जाता भारत से एज पर सेक्शन 172 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, ठीक है। तो इस पे जो मतलब आपको कैसे याद करना, डिसकंटिन्यूड लास्ट, है ना, डिसकंटिन्यूड लास्ट, है ना। टी से क्या पॉइंट है, टी से है ट्रांसफर ऑफ बिजनेस, है ना, पर्सन लाइटली टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी टू अवॉइड टैक्स, मतलब ट्रांसफर ऑफ बिजनेस नहीं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, मतलब वो क्या करेगा, वो बंदा ना टैक्स बचाने के लिए प्रॉपर्टी ही ट्रांसफर कर देगा, तो उस साल में क्या होगा, जो प्रीवियस ईयर में इनकम कमाई वो उसी साल में ही असेस हो जाएगी। मतलब पांच सर्कमस्टांसेस है सिर्फ, उसका शॉर्टकट क्या है, डिसकंटिन्यूड लास्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में कभी भी पूछा जा सकता है, ठीक है, डिसकंटिन्यूड लास्ट। तो मतलब डिसकंटिन्यूएंस ऑफ द बिजनेस, एल से लिविंग इंडिया, ए से एओपी बीवाई फॉर्म फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस एंड दैट पर्टिकुलर पर्पस और इवेंट हैज बीन कंप्लीटेड, एस से शिपिंग बिजनेस, टी से ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। तो ये पांच सर्कमस्टांसेस, दीज आर द फाइव सर्कमस्टांसेस इन विच द इनकम विल बी असेस्ड इन द प्रीवियस ईयर इटसेल्फ रादर देन इन द असेसमेंट ईयर। ये आपका कॉन्सेप्ट है। अब ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, क्लेरिफिकेशन रिगार्डिंग अटेनिंग एज ऑफ 60 और 80 इयर्स, ये मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं, मैं वापस समझा देता हूं। अगर मान लो आप इस प्रीवियस ईयर में, ये प्रीवियस ईयर है और अगला असेसमेंट ईयर है, ठीक है, इतना पता है आपको। अब मान लो अगर आप इस प्रीवियस ईयर में एक दिन भी अगर आप 60 साल के हो जाते हो तो आपके लिए बेसिक एग्जम्पशन बढ़ जाती है, मतलब 3 लाख रुपए हो जाती है और 5 लाख रुपए हो जाती है। लेकिन ऐसा होता है इसके केस में सिर्फ रेजिडेंट इंडिविजुअल के केस में, मतलब जो अगर आप इस प्रीवियस ईयर में कभी भी एक दिन भी अगर आप 60 साल के हो जाते हो, ठीक है ना, एक दिन भी अगर आप मेरे 60 साल के हो जाते हो तो आपको क्या होता है, आपको हायर बेसिक एग्जम्पशन मिलती है, ठीक है। अब आप एग्जाम्पल कंसिडर करो कि मेरा बर्थडे जो आता है ना वो आता है 1 अप्रैल को, ठीक है, 1 अप्रैल को आता है, तो इसका मतलब क्या है, मैं EY जो अगला EY है, मतलब PY का अगले वाला साल, अब मैं यहाँ पे 1 अप्रैल को 60 साल के होने वाला हूँ, ठीक है। लेकिन डिपार्टमेंट ने बोला, अब देखो आप लॉजिकली समझो कि मेरा जो बर्थडे होगा वो 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है ना, वैसे तो समझ रहे हो आप, मतलब बर्थडे
फर्स्ट अप्रैल को आता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं एवाई में तो 60 साल का हो जाऊंगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, ठीक है। लेकिन आप ये समझो कि जब एवाई में मैं जब 60 साल का रहूंगा, एवाई में तो मैं 60 साल का हो ही जाऊंगा, अब डिपार्टमेंट ने बस थोड़ा सा एक अच्छा काम कर दिया, वो क्या किया कि उन्होंने बोला कि 1 अप्रैल से 31 मार्च, मतलब मैं पीवाई में भी 60 साल का माना जाऊंगा, है ना। क्योंकि एक तरीके से हम ये मानते ना, 31 मार्च की रात को 12 बजे मैं 60 साल का हो गया, है ना, 31 मार्च की रात को 12 बजे मैं 60 साल का हो गया। तो वो क्या बोलते हैं, अगर आप थोड़े से टाइम के लिए भी इस साल में अगर आप 60 साल के हो जाते हो, तो इन्होंने क्या क्लैरिफिकेशन दी कि अगर मान लो आप एवाई में एवाई की 1 तारीख को, अगर आप एवाई की 1 तारीख को आपका बर्थडे आता है और आप अभी वैसे 59 के हो, अगर आप बाद में 60 के हो जाते हो, तो आप ये माना जाएगा कि आप 31 मार्च की रात को 12 बजे, ठीक है, 31 मार्च की रात को 12 बजे ही आप 60 साल के हो गए और आपको हायर बेसिक एग्जम्पशन मिलेगी। तो ये बस एक बढ़िया पॉइंट है, बस आपको माइंड में रखना है, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं, सिमिलरली 80 साल वाला पॉइंट है, ठीक है, तो आप समझ जाना। अब अपन चलते हैं स्पेशल टैक्स रेट, हालांकि ये अपन सब जगह पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको यहाँ पे ना बहुत अच्छे से समझाता हूँ इस चीज को। अब आप समझो, देखो अब मैं आपको पूरा अच्छे से अंडरस्टैंड कराता हूँ, ठीक है। अब बस आप माइंड में रखना, एक सेक्शन होता है 112A, 112A ऑफ द इनकम टैक्स, ठीक है। अब 112A में क्या होता है, 112A बात करता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ठीक है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। किसके ऊपर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, मेरे माइंड में दोहराना, कौन कौन से, एक होता है इक्विटी शेयर्स ऑफ अ कंपनी, ठीक है, इक्विटी शेयर्स ऑफ अ कंपनी, इक्विटी ओरिएंटेड फंड एंड बिजनेस ट्रस्ट, ठीक है। ये तीन चीजें बस आपको माइंड में क्या रखना है, 112A, ठीक है। 112A किस तीन चीजों के बारे में बात करता है, इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी, इक्विटी ओरिएंटेड फंड एंड यूनिट्स ऑफ अ बिजनेस ट्रस्ट, ठीक है, तीन चीजों के बारे में बात करता है। अगर इसके ऊपर एसटीटी पेड होता है, एसटीटी कब पे होता है, जब वो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होता है, ठीक है। तो आपको बस ये माइंड में रखना है, आपको बस क्या माइंड में रखना है, अगर एसटीटी पेड है, ठीक है, अगर एसटीटी पेड है। अब मैं बताता हूं एसटीटी कब पे होना चाहिए, अगर इक्विटी शेयर है तो सेल और परचेज दोनों में एसटीटी पेड होना चाहिए। अगर इक्विटी शेयर है तो सेल और परचेज दोनों में एसटीटी पेड होना चाहिए। लेकिन अगर बाकी दो है, यूनिट्स ऑफ अ बिजनेस ट्रस्ट एंड यूनिट्स ऑफ अ इक्विटी ओरिएंटेड फंड, अगर ये दो चीजें हैं तो इसमें सेल के टाइम ही सिर्फ रिक्वायरमेंट है एसटीटी पेड होने की, चाहे परचेज के टाइम हो या ना हो तो भी चलेगा। तो इसका मतलब क्या है, इक्विटी शेयर में दोनों टाइम में होना चाहिए और यूनिट्स ऑफ अ इक्विटी ओरिएंटेड फंड एंड यूनिट्स ऑफ अ बिजनेस ट्रस्ट में, यूनिट्स ऑफ अ बिजनेस ट्रस्ट में सिर्फ सेल के टाइम पे एसटीटी पेड होना चाहिए। अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है तो जो टैक्स रेट लगेगा वो लगेगा 10% लगेगा ऑन एलटीसीजी एक्सीडिंग रुपी 1 लाख। मतलब क्या होगा, 1 लाख से ज्यादा जो एलटीसीजी है उसके ऊपर 10% लगेगा, ठीक है, 10% लगेगा। इसका मतलब क्या हुआ, यूनिट्स ऑफ अ बिजनेस ट्रस्ट, इक्विटी ओरिएंटेड फंड एंड इक्विटी शेयर कैपिटल, इन दोनों के केस में कब, ओनली एट द टाइम ऑफ सेल, एंड इक्विटी शेयर्स के केस में बोथ एट द टाइम ऑफ द सेल एंड बोथ एट द टाइम ऑफ द मतलब सेल एंड परचेस, है ना, उस टाइम पे दोनों पे एसटीटी पेड होना चाहिए। और टैक्स की रेट क्या है, 10% ऑन एलटीसीजी एक्सीडिंग रुपी 1 लाख। अब आप समझो, पहले कंपटीशन समझो, मान लो मैंने एलटीसीजी कमाया 2 लाख रुपए, ठीक है, तो क्या होगा, जब मेरी जीटीआई जुड़ी जाएगी ना, जीटीआई या फिर टोटल इनकम में क्या होगा, वो पूरे 2 लाख जुड़ेंगे, मतलब उसमें 1 लाख रुपए माइनस कर देनी, जोड़ना आपको क्या करना, पूरे 2 लाख रुपए जोड़ने, ठीक है। लेकिन जब आप टैक्स निकालोगे ना, तो आप क्या करोगे, 2 लाख में से 1 लाख रुपए आप पहले माइनस कर दोगे, ठीक है। आप क्या करोगे, मान लो 2 लाख रुपए ना, 2 लाख रुपए पूरे जोड़े आपने, है ना, फिर क्या करोगे, उससे आपकी टोटल इनकम निकली। अब आप टैक्स निकाल रहे हो, टैक्स कैसे निकाल रहे हो, आप 2 लाख में से पहले 1 लाख रुपए तो माफ हो गए, अब उसके ऊपर कितना, 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए के ऊपर आप 10% लगाओगे। अब ऐसे एग्जांपल ले लो, आप मान लो 50,000 रुपए होता, तो 50,000 रुपए मैं टोटल इनकम में जोड़ता, 50,000 में से अब मैक्सिमम माफ है 1 लाख रुपए, तो 50,000 पूरा माफ हो जाता, उसके ऊपर टैक्स ही नहीं लगता। तो मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है, अगर कंडीशन क्या फुलफिल होती है, इक्विटी शेयर ऑफ अ कंपनी, एसटीटी पेड बोथ एट द टाइम ऑफ सेल एंड परचेज, और बाकी इक्विटी ओरिएंटेड फंड एंड यूनिट्स ऑफ अ बिजनेस ट्रस्ट, इसमें कब एसटीटी पेड होना चाहिए, एट द टाइम ऑफ सेल, तो हमारा जो एलटीसीजी होगा वो टैक्सेबल होगा एट द रेट ऑफ 10% एक्सीडिंग रुपी 1 लाख। जो 1 लाख से ज्यादा वाला एलटीसीजी होगा वो टैक्सेबल होगा एट द रेट ऑफ 10%। मगर आपको ये फंडामेंट में रखना है, ठीक है, ये तो हुआ 112A। अब अपन चलते हैं सेक्शन 112 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, ठीक है। अब इसके अलावा जितने भी एलटीसीजी हो गए, मतलब मान लो लैंड की सेल पे, या कोई मतलब मान लो मैंने बिल्डिंग बेची, या मैंने कोई और भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है अगर मुझे, तो जो मेरी टैक्स रेट आएगी वो आएगी 20%, ठीक है। कितनी परसेंटेज, 20%, मतलब एलटीसीजी ऑन एसेट्स अदर देन इक्विटी शेयर्स, इक्विटी ओरिएंटेड फंड, यूनिट्स ऑफ अ बिजनेस ट्रस्ट ऑन विच एसटीटी हैज बीन पेड, है ना, एसटीटी इक्विटी शेयर में बोथ, है ना, और यहाँ पे सिर्फ एट द टाइम ऑफ सेल, है ना, ये आपको माइंड में बैठ चुका है। तो अगर इन
इन एसेट्स के अलावा कोई भी LTCG होता है आपको, तो इट विल बी टैक्सेबल एट द रेट ऑफ 20% अंडर सेक्शन 112 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, ठीक है। अब आप समझो, अब अपन चलते हैं 111A, ठीक है। 111A भी बहुत आसान है, ठीक है। अब ये रोहिए वाला पॉइंट तो मैंने आपको समझाई दिया, इक्विटी शेयर्स में बोथ एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन एंड ट्रांसफर, ठीक है। और यहां पे क्या, इक्विटी ओरिएंटेड फंड और बिजनेस ट्रस्ट में एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर, ठीक है। ये आपको पॉइंट समझ आ गया। अब आप समझो 111A, 111A सेम 112A वाला है, ठीक है। 112A जैसा ही है, ठीक है। 112A जैसा ही 111A है, ठीक है। बस फर्क क्या है, अब मैंने उसमें क्या बताया था आपको, इक्विटी शेयर्स में बोथ एट द टाइम ऑफ सेल एंड परचेज होता है ना। अब लेकिन 111A में ये कंडीशन नहीं है। 111A में क्या कंडीशन है कि सिर्फ एट द टाइम ऑफ सेल होना चाहिए, मतलब चाहे इक्विटी शेयर हो, चाहे इक्विटी ओरिएंटेड फंड हो, चाहे यूनिट्स ऑफ अ बिजनेस ट्रस्ट हो, इसमें हमेशा एट द टाइम ऑफ सेल STT पेड होना चाहिए, चाहे परचेज पे हो या ना हो, ठीक है। तो अब देखो, अब यहाँ पे देखो सेल, यहाँ पे शुड बी चार्जेबल टू STT, ठीक है। ये जो सेल के ऊपर सिर्फ STT होना चाहिए, तो बस फंडा क्या है, 112A और 111A में फर्क क्या है कि 112A में इक्विटी शेयर में सेल और परचेज दोनों में STT पे होना चाहिए था, लेकिन 111A में सिर्फ सेल में STT पे होना चाहिए। तो इसमें जो टैक्स रेट है वो कितनी है, 15% है ना। 111A में कितनी है, है ना, 111A में कितनी है, 15% है ना। अब आप मेरे से क्वेश्चन पूछोगे कि जैसे 112A के अलावा जितने भी बचे थे LTCG, उस पे इतना टैक्स रेट था 20% अंडर सेक्शन 112, तो ऐसा कोई मैकेनिज्म है STCG में भी कि अदर देन ये 111A वाले STCG के ऊपर इतना टैक्स रेट लेगा? तो मैंने बोला हाँ मैकेनिज्म है, लेकिन उसके ऊपर जो टैक्स रेट होगा ना वो हमारी नॉर्मल स्लैब रेट लगेगी, जो हमने फर्स्ट लेक्चर में देखी है ना, नॉर्मल स्लैब रेट्स, वो सारी स्लैब रेट लगेगी। मतलब इसके लिए कोई स्पेशल टैक्स रेट नहीं है, ठीक है। तो मतलब वो क्या होगा, नॉर्मल टैक्स रेट पे चार्जेबल होगा। तो अब हम माइंड में ऐसे रिवाइज करते हैं, ठीक है। 112A इक्विटी शेयर, इक्विटी ओरिएंटेड फंड, यूनिट्स ऑफ अ बिजनेस ट्रस्ट, ठीक है। इन दो में इक्विटी शेयर्स के अलावा वाले में, इक्विटी ओरिएंटेड फंड और बिजनेस ट्रस्ट में एट द टाइम ऑफ सेल STT पे होना चाहिए, इक्विटी शेयर्स में बोथ एट द टाइम ऑफ सेल एंड परचेस, तो टैक्स विल बी एट द रेट ऑफ 10% एक्सीडिंग रुपी 1 लाख, ठीक है। ये 112A हुआ। अब अदर देन दिस एनी LTCG अदर देन 112A, तो क्या टैक्स रेट होगी, 20%, है ना, ये आपको माइंड में रखना है, ठीक है। अब आप चलो 111A, 111A में क्या होगा, इक्विटी ओरिएंटेड फंड एंड यूनिट्स ऑफ अ बिजनेस ट्रस्ट, ठीक है। अब ये इसमें क्या होना चाहिए, STT पेड होना चाहिए ओनली एट द टाइम ऑफ सेल, एट द टाइम ऑफ सेल STT पेड होना चाहिए। टैक्स रेट विल बी, टैक्स रेट इतना होगा यहाँ पे 15% टैक्स रेट होगा, ठीक है। कितने परसेंटेज टैक्स रेट होगा, 15% टैक्स रेट होगा। और अदर STCG पे क्या होगा, नॉर्मल स्लैब रेट विल बी चार्ज, ठीक है। आपको ये फंडा भी समझ आ गया होगा। अब अपन चलते हैं स्पेशल टैक्स रेट में आगे, है ना। 115BB, 115BB बहुत सिंपल है। आप जैसे लॉटरी खेलते हो ना, लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल खेलते हो ना, रेसेस इंक्लूडिंग हॉर्स रेसेस, कार्ड गेम्स एंड एनी अदर गेम्स ऑफ एनी सॉर्ट, जैसे KBC में मैं गया, ठीक है, KBC में गैमलिंग और बैटिंग और एनी अदर फॉर्म ऑफ नेचर, तो इसके ऊपर जो टैक्स रेट होता है वो सीधा 30% होता है, सीधा 30%, मतलब। और इसके ऊपर कोई भी बेसिक एग्जम्पशन का बेनिफिट भी नहीं मिलता, मतलब मान लो अगर मैंने 4 लाख रुपए KBC से कमाए, बस पूरे साल में सिर्फ मैंने 4 लाख रुपए ही कमाए, ठीक है। अब बताओ क्या मुझे 2.5 लाख की एग्जम्पशन मिल सकती है, नहीं मिल सकती, मेरे ऊपर सीधा 30% टैक्स लेवी होगा, सीधा 30% टैक्स लेवी होगा, ठीक है। तो इसमें क्या फ्लैट रेट है, और इसके अंदर, इसके अगेंस्ट नहीं कोई चैप्टर 6 से मिलता है, मतलब चैप्टर 6 से मतलब GTI से आप क्या माइनस करते हो, डिडक्शन माइनस करते हो, तो टोटल इनकम आती है। तो 115BB के अगेंस्ट कोई भी चैप्टर 6 से नहीं मिलता, मतलब कोई भी डिडक्शन आप क्लेम नहीं कर सकते, मतलब ये फ्लैट चार्ज होगा 30% पे। हालांकि मैं ऊपर वाले पॉइंट पे भी बताना भूल गया आपको, जो 111A है, 112A है, और 112A और 112, है ना, 112, है ना, ये तीन स्पेशल टैक्स रेट है ना, 111A, 112A और 112, इसमें भी कभी भी चैप्टर 6 से का बेनिफिट नहीं मिलता। चैप्टर 6 से मतलब ठीक, आप है ना कोई भी डिडक्शन नहीं क्लेम कर सकते इस इनकम के अगेंस्ट, मतलब आप LTCG जो भी चार्जेबल है 112A, 111A, इनके अगेंस्ट चैप्टर 6 से नहीं ले सकते, लेकिन आप बेसिक एग्जम्पशन तभी ले सकते हो जब आप रेजिडेंट इंडिविजुअल हो, मतलब आपको इसके अगेंस्ट बेसिक, जैसे 115BB में तो मैंने आपको ये बताया ना कि आप बेसिक एग्जम्पशन भी नहीं ले सकते और चैप्टर 6 से भी नहीं ले सकते, ठीक है। आपको बस ये दो पॉइंट मैंने रखने हैं, 115BB में तो मैं चैप्टर 6 से भी नहीं ले सकता, और मैं क्या बोलते हैं, चैप्टर 6 से भी नहीं ले सकता और बेसिक एग्जम्पशन भी नहीं ले सकता। मैं 112A, 112, 111A में चैप्टर 6 से तो मैं कभी भी नहीं ले सकता, ठीक है, ये तो पहला फंडा हो गया, लेकिन मैं बेसिक एग्जम्पशन तभी ले सकता हूं जब मैं रेजिडेंट इंडिविजुअल हूं, मतलब अगर नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल है तो उसके लिए नहीं चैप्टर 6 से है, नहीं चैप्टर 6 से है, और नहीं बेसिक एग्जम्पशन है अगेंस्ट इनकम अंडर सेक्शन 111A, 112A एंड 112, बस आपको ये फंडा समझना है, ठीक है। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन की ओर, जो कि है 115BBD, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है आज की डेट में,
पहली बात आपको माइंड में क्या रखनी है, 115BBDA अप्लाइज ओनली टू अ रेजिडेंट पर्सन. रेजिडेंट पर्सन, पर्सन इंक्लूड्स इंडिविजुअल, HUF, फर्म, EOP, BOI, कंपनी एंड मेनी अदर आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन. ठीक है, तो ये हमारे माइंड में बैठना चाहिए. तो 115BBDA किसके ऊपर लगता है, रेजिडेंट पर्सन. अदर देन कौन, अब मैं तीन चीजें बोलने जा रहा हूं. ठीक है ना, मैंने बोला कौन कौन से, तीन अदर देन मतलब इट अप्लाइज ऑन रेजिडेंट पर्सन. अदर देन कौन कौन से, तीन पर्सन, डोमेस्टिक कंपनी. हाँ, कोई भी डोमेस्टिक कंपनी के ऊपर 115BBDA नहीं लगता. 115BBDA क्या है, 115BBDA क्या बोलता है कि जैसे तो क्या होता है, डिविडेंड जो हमें इंडियन डोमेस्टिक कंपनी से मिलता, सॉरी इंडियन कंपनी नहीं, क्योंकि मैंने क्या बताया, डोमेस्टिक कंपनी मींस एन इंडियन कंपनी एंड एनी अदर कंपनी व्हिच हैज मेड प्रेस्क्राइब्ड अरेंजमेंट फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड. है ना, तो अब आप समझो कि कोई भी डिविडेंड अगर मुझे डोमेस्टिक कंपनी से मिलता है तो वो एग्जम्प्ट होता है अंडर सेक्शन 1034. लेकिन अभी इन्होंने पिछले साल, मतलब एक दो साल पहले ही इन्होंने सेक्शन लाया था 115BBDA. इन्होंने बोला कि अगर 10 लाख से भी ज्यादा आप डिविडेंड लेते हो किसी डोमेस्टिक कंपनी से, तो आपका जो डिविडेंड होगा वो चार्जेबल होगा एट द रेट ऑफ 10% इन एक्सेस ऑफ 10 लाख. मतलब जो 10 लाख से ऊपर का जो डिविडेंड है ना, 10 लाख से ऊपर का जो डिविडेंड है वो 10% से चार्जेबल होगा. मतलब फंडा ये है. ठीक है, तो अब आपको ये समझना है, मतलब 10 लाख से ऊपर का डिविडेंड चार्जेबल होता है एट द रेट ऑफ 10%. आपको ये फंडा तो क्लियर हो गया. अब लेकिन ये सेक्शन लगता है इसके ऊपर है, ये पहली बात तो सिर्फ रेजिडेंट पर्सन के ऊपर लगता है. अब रेजिडेंट पर्सन में भी ये किन के ऊपर नहीं लगता, मतलब नॉन रेजिडेंट अगर चाहे 15 लाख रुपए भी कमाएगा ना डिविडेंड के, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो भी उसे टैक्स नहीं देना. ठीक है, उसके लिए एग्जम्प्ट है अंडर सेक्शन 1034. लेकिन अगर रेजिडेंट पर्सन कमाए 10 लाख से ऊपर, तो उसे टैक्स देना पड़ेगा इन एक्सेस ऑफ 10 लाख एट द रेट ऑफ 10%. है ना, ये आपको फंडा समझना है. मतलब अगर NR पर्सन 15 लाख रुपए का डिविडेंड कमाता है तो उसे कोई भी टैक्स नहीं देना, लेकिन अगर वही रेजिडेंट पर्सन कमाता है तो उसे 5 लाख के ऊपर 10% देना पड़ेगा. फंडा ये है, तो इट अप्लाइज ऑन अ रेजिडेंट पर्सन. अब रेजिडेंट पर्सन में भी कोई इनमें से भी तीन बंदे हटा दिए इन्होंने. कौन कौन, फर्स्ट है डोमेस्टिक कंपनी. ठीक है, डोमेस्टिक कंपनी. फिर सेकंड है ट्रस्ट अंडर सेक्शन 12AA ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट. और तीसरा है ट्रस्ट इंस्टीट्यूशन, मेडिकल इंस्टीट्यूशन, हॉस्पिटल, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, बहुत सारी चीजें जो कि 1023C ऑफ द इनकम टैक्स में प्रेस्क्राइब्ड है. तो मतलब तीन बंदों के ऊपर ये सेक्शन नहीं लगता. ठीक, कौन कौन, डोमेस्टिक कंपनी और ट्रस्ट. हाँ ना, ट्रस्ट और एक है 1023C वाले इंस्टीट्यूशन. तो इन असेसिस के ऊपर 115BBDA does not apply. मतलब 115BBDA applies to a resident person other than domestic company, trust and 1023C. है ना, बस आपको ये फंडा माइंड में रखना है. And tax will be levied at the rate of 10% in excess of 10 lakh. बस आपको ये 115BBDA माइंड में रखना है. फिर 115BBDA तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है. टैक्स विल बी लेविड एट द रेट ऑफ 60% प्लस 25% सरचार्ज प्लस 4% सेस, जो यहाँ पे नहीं बता रखा लेकिन मैं आपको बताता हूँ. 60% टैक्स, 25% सरचार्ज ऑन 60%, तो इट कम्स टू 15%. The total comes to 75% and cess will be levied at the rate of 4% on 75% and it comes to 3%. 75% plus 3% it equals to 78%. तो आपको mind में फंडे mind में रखने हैं. ठीक है,